क्रूड ऑयल मार्केटिंग को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में सरकार ने कच्चे तेल को लेकर एक बड़े रिफॉर्म को मंजूरी दे दी है। सरकार ने डोमेस्टिक क्रूड एलोकेशन पॉलिसी को डीरेगुलेट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद तेल कंपनियां घरेलू बाजार में कच्चा तेल बेच सकेंगी। वहीं सरकार के इस फैसले से ONGC ऑयल इंडिया जैसी कंपनियों को घरेलू बाजार में क्रूड ऑयल बेचने की मार्केटिंग की आज़ादी मिल जाएगी। वहीं नई व्यवस्था 1 अक्टूबर से लागू होगी। दरअसल सरकार क्रूड ऑयल के घरेलू उत्पादन को नियंत्रण से मुक्त करने के लिए सरकार ने ये फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था 1 अक्टूबर से लागू होगी। वहीं नए नियम लागू होने के बाद क्रूड ऑयल उत्पादन करने वाली कंपनियां अपनी मर्जी से ऑयल बेच सके। इससे देश में कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि वर्तमान व्यवस्था के तहत तेल कंपनियों को बाजार में अपने क्रूड ऑयल को बेचने की आज़ादी नहीं है। उन्हें अपना कच्चा तेल सरकारी कंपनियों को बेचना पड़ता है। आपको बता दें कि भारत अपनी ज़रूरत का 85% ऑयल आयात करता है। सरकार कच्चे तेल के आयात पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहती है। सरकार के इस फैसले से कच्चे तेल के उत्पादन में कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।